आरजे पल्लवी पॉडकास्ट के सारी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को और सुनते रहिए हमारे साथ आज पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई सत्य घटना पे आधारित। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना पे आधारित ये घटना है जो कि पंडित अरुण कुमार शर्मा जी के साथ ये घटना घटी थी, वही घटना आप लोगों के सामने मैं पेश कर रही हूँ। तो आज की जो घटना है वो है पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की अनुभव करने वाली एक भयंकर घटना, नरकंकाल। तो चलिए दोस्तों, बिना एक सेकेंड भी देरी के शुरू करते हैं आज की ये सत्य घटना पे आधारित। नरकंकाल? जी हाँ, नरकंकाल, एक नहीं तीन तीन नरकंकाल। सभी मजदूरों के चेहरे पर हवैया उड़ रही थी, सभी के चेहरे स्याहे पड़ गए थे। खुदाई का काम कोई भी आगे करने को तैयार नहीं था। पुरातत्व विभाग में मेरी नई नई नियुक्ति हुई थी उस समय, और मेरे निर्देशन में पहली बार खुदाई का काम हो रहा था आसाम के उस घोर जंगली इलाके में। मनोहर लाल इस इलाके का ठेकेदार था, जंगल काटने का ठेका लिया करता था वो। उसी ने खुदाई के लिए 30-40 मजदूरों को इंतजाम किया था। बातचीत के सिलसिले में मनोहर लाल ने बताया था कि वो टीला भुतवा है, वहां रात में अक्सर प्रेत आत्माएं घूमती है। टीले के बगल में बेताल बाबा का जो मंदिर है, सुनने में आता है कि अमावस्या की काली अंधेरी रात में वहां सारी प्रेत आत्माएं इकट्ठी होती है और जलसा करती है। फिर बड़े मध्यम स्वर में मनोहर लाल ने अंत में कहा, साहब यहां खुदाई ना कराए तो अच्छा, वरना कोई भी मुसीबत खड़ी हो सकती है, प्रेत आत्माएं जो ठहरी। मनोहर लाल की बातें सुनकर हंस पड़ा मैं, बोला, हर जगह को ही लोग भुतवा करार दे देते हैं, असम में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां भूत प्रेत विचरण ना करते हो, सभी जगह तो भूत प्रेत है, क्या उनके डर से सरकारी काम बंद करा दूं? मनोहर लाल ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर चला गया। आसाम की पहाड़ी तलहाटी में था वो टीला, जिसकी बाईं ओर घने जंगलों का सिलसिला था। जंगल के सीने को चीरती हुई एक पहाड़ी नदी टीले को छूती हुई बहती थी। नदी के किनारे ही बेताल बाबा का मंदिर था, काफी पुराना हो चुका था मंदिर। मूर्ति का नाम पर मंदिर के भीतर एक ताखा पर बना हुआ था, तेल सिंदूर से पुता रहता था वो ताखा। सुनने में आया था कि साल में एक बार वहां बेताल बाबा का मेला भी लगता है, काफी दूर दूर से लोग आकर वहां मन्नतियां मानते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं और शराब चढ़ाते हैं। मंदिर से कुछ दूर पर एक पक्का एक मंजिला मकान भी था, वो भी काफी जर्जर और पुराना हो चुका था, उसकी दीवारें गिर चुकी थी, जगह जगह जंगली घासें उग गई थी। खुदाई के काम बंद हो जाने के कारण मुझे परेशानी हो रही थी। मैं जब अपने सहयोगी डॉक्टर सक्सेना को लेकर खुदाई की जगह पहुंचा तो वहां मनोहर लाल से भेंट हो गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, बोला, साहब मैंने कहा था ना, ये टीला भुतया है, खुदाई ना कराएं। मैंने मनोहर लाल की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, चुपचाप सक्सेना के साथ आगे बढ़ गया। लगभग 18 से 20 फुट नीचे एक पक्के चबूतरे के भीतर वे तीनों नरकंकाल मिले थे। मैंने ध्यान से देखा, तीनों साबूत थे, कहीं टूटे हुए नहीं थे। उनमें दो नरकंकाल तो औरतों के थे और तीसरा पुरुष का। परीक्षण करने पर पता चला कि तीनों की उम्र कम थी। आगे की परीक्षण के लिए मैं नरकंकालों की खोपड़ियां अलग कराकर अपने साथ लेता आया और उसकी सूचना अपने अधिकारियों को दे दी थी। उस दिन सांझ का समय था, आकाश में बादल छाए हुए थे।
पूर्वा हवा बह रही थी। वातावरण में गहरी नीरवता छाई हुई थी। मैं धीरे धीरे चलकर बेताल बाबा के मंदिर के टूटे चबूतरे पर बैठ गया। निशा का पत्र उसी दिन मिला था मुझे। अमेरिका से शीघ्र ही लौटने वाली थी वो। मेरा मन काफी प्रसन्न था उस समय। पूरे 4 साल बाद निशा से भेंट होगी। मुझको कितना चाहती है वो। इतनी दूर जाकर भी मुझे भुला ना पाई निशा। उसी की यादों में खोया न जाने कब तक बैठा रहा चबूतरे पर, पता नहीं। अचानक मकान के खंडर की ओर से किसी के चीखने की आवाज आई। भय से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बड़ी दर्दनाक चीख थी वो। फिर मैं 1 मिनट भी वहां नहीं रुका। वापस लौट आया अपने कैंप में। सारी रात सो ना सका था मैं। बराबर उस चीख की याद आती रही मुझे। सवेरे मैंने इसकी चर्चा पिंगुल से की। पिंगुल मेरा स्थानीय नौकर था। मेरी बात सुनकर वो बोला, साहब उस मकान में शास्त्री जी का भूत रहता है। कभी कभी वहीं चीखता चिल्लाता है। फिर उसने आगे जो कुछ बतलाया वो सब बड़ा विचित्र लगा मुझे। उसने बताया, लगभग 40-50 साल पहले उस मकान में रामाकांत शास्त्री नाम का एक युवक रहता था। काफ़ी पढ़ा लिखा था वो। किसी एकांत स्थान में रहकर वो दर्शन शास्त्र की एक पुस्तक लिखना चाहता था और इसी इरादे से वो उस एकांत स्थान पर बने उस मकान में रहने को आया था। बाहर कम ही निकलता था। सारा दिन अध्ययन, चिंतन, मनन और लेखन में ही लगा रहता था वो। एक दिन वो न जाने कहाँ चला गया एकाएक और फिर आज तक वापस नहीं आया। पिंगुल से मुझे ये भी मालूम हुआ कि रामाकांत शास्त्री की शादी गांव की मुखिया लक्ष्मण प्रसाद की इकलौती बेटी रेखा से होने वाली थी। मुखिया ने ही रामाकांत शास्त्री को शहर से बुलाया था और अपना वो मकान उसे रहने को दिया था। रेखा काफ़ी आकर्षक और सुंदर युवती थी। पढ़ी लिखी भी थी। पहली नज़र में ही वो रामाकांत शास्त्री को दिल दे बैठी। रामाकांत शास्त्री भी रेखा को चाहने लगा था। कभी कभी दोनों शाम के समय इस टीले पर घूमने चले आते थे। घंटों बैठे बातें करते रहते थे। मगर जिस दिन रामाकांत शास्त्री लापता हुआ उसी दिन रेखा की लाश उसके मकान के बाहर बरामदे में पाई गई। वो अचानक कैसे मर गई इसका पता कभी किसी को न चला। डॉक्टर ने बतलाया कि रेखा की हृदय गति बंद हो जाने से मौत हुई थी। भगवान जाने सच क्या था। इस भयानक घटना से लक्ष्मण प्रसाद मुखिया को इतनी सदमा पहुंची कि वे पागल हो गए और कुछ दिनों बाद ही उसी स्थिति में मर गए। लड़की के सिवाय परिवार में और कोई नहीं था, इसलिए उनकी सारी लावारिस संपत्ति सरकार ने अपने कब्जे में कर ली। तुमको ये सारी बातें कैसे मालूम हुई, मैंने पिंगुल से पूछा। साहब मेरी माँ मुखिया के घर बर्तन मांजती थी और मैं भी चाकरी करता था। उस वक्त मेरी उम्र 15-16 साल की थी। उस समय वो टीला नहीं था, उसकी जगह एक बड़ा मंदिर था। मंदिर 3 तल्लों का बना था। 2 तल्ला तो ज़मीन के भीतर था और 3रा तल्ला ऊपर था। जहाँ तक मेरा ख्याल है बौद्धों का मंदिर था वो, क्योंकि कभी कदा बहुत सारे बौद्ध भिक्षु मंदिर में इकट्ठे होते थे और अपना पूजा पाठ करते थे। पिंगुल का कहना सही था। एक शिला लेख के आधार पर हमारे विभाग को काफ़ी प्राचीन बौद्ध मठ का पता चला था वहाँ। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर ये भी पता चला था कि किसी समय भगवान तथागत ने अपने शिष्य आनंद के साथ उस बौद्ध मठ में कुछ समय व्यतीत किया था। सरकार को वहाँ प्राचीन और दुर्लभ बौद्धकालीन वस्तुएं मिलने की आशा थी, इसलिए खुदाई की जा रही थी। पिंगुल की बातें सुनकर पूरी रात मेरे मानस पटल पर
रामाकांत और रेखा का काल्पनिक रूप उभरता और मिटता रहा। सोचने लगा, कहीं वे तीनों नरकंकाल रामाकांत, रेखा और मुखिया के तो नहीं है? अगर है तो तीनों एक साथ और एक ही स्थान पर कैसे मिले? मेरे सामने ये विकट प्रश्न था। मजदूरों के अभाव में काम रोक देना पड़ा था। डॉक्टर सक्सेना तो दिल्ली चले गए, मगर मैं वहीं रह गया, इसलिए कि मनोहर लाल ने मजदूरों की व्यवस्था करने का मुझे आश्वासन दिया था। एक दिन देखा, नरकंकालों की खोपड़ियां गायब थी। घोर आश्चर्य हुआ, काफी खोजने पर भी उनका कहीं पता नहीं चला। आखिर वे गई कहां? कौन ले गया उनका? किसे जरूरत थी उनकी? किसे अज्ञात भय से कांप उठा मेरा मन। इस घटना के 2-3 दिन बाद एक युवक मुझसे मिलने आया कैंप में। काफी सौम्य और शांत लगा, सुंदर और आकर्षक तो था ही, पढ़ा लिखा भी था, मगर उसकी भावभंगिमा और बातचीत करने का ढंग मुझे रसमय और विचित्र लगा। जब मैंने पूछा कि क्या काम है उसे मुझसे, तो उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, जब मजदूरों का इंतजाम हो जाए तो मैं टीले के भीतर मिले चबूतरे की खुदाई कराऊं। वहां एक पुरानी पांडुलिपि मिलेगी जिससे सारे रहस्यों पर स्वयं अपने आप प्रकाश पड़ जाएगा। जब मैंने पूछा कि उस पांडुलिपि के बारे में उसे कैसे मालूम हुआ, तो युवक ने पहले तो मेरी ओर एक बार घूर कर देखा, फिर मध्यम स्वर में बोला, मेरा नाम रामाकांत शास्त्री है। रामाकांत शास्त्री? चौक पड़ा मैं एक बार की, मगर इस नाम का व्यक्ति तो 40-50 साल पहले लापता हो गया था। अगर तुम ही वो रामाकांत शास्त्री हो तो इस समय तुम्हारी उम्र कम से कम 65-70 साल होनी चाहिए, मगर तुम तो अभी युवक हो। मगर मेरी इन बातों का उस युवक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस निर्विकार भाव से मेरी ओर देखता रहा वो। उस समय उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन उतर आया था। विचलित हो उठा मैं, आगे ना बोला गया ना कुछ पूछा ही गया मुझसे। सहसा बैठे ही बैठे युवक का सारा शरीर एक भयंकर नरकंकाल में बदल गया। भय से थर थर कांपने लगा मेरा सारा शरीर। न जाने कहां से मुझ में ताकत आ गई। मैं पूरे बेग से कैंप से निकलकर बाहर नदी के ओर भागा। संयोग से रास्ते में मोहन लाल से भेंट हो गई। सारा किस्सा उसे एक सांस में सुना डाला मैंने। वो भी मेरी बात सुनकर एक बार दहल उठा, फिर बोला, मैंने तो साहब आपसे पहले ही कहा था कि ये सारा इलाका भूतों का डेरा है, मगर आपने मेरी बात पर ध्यान ना दिया। खैर, अब आज से आप मेरे मकान में रहिए। यहाँ अकेले कैंप में रहने की जरूरत नहीं, वरना कभी भी आप किसी भी भयंकर खतरे में पड़ सकते हैं। एक हफ्ते बाद डॉक्टर सक्सेना भी वापस आ गए और मोहनलाल ने कुछ मजदूरों का भी इंतजाम कर दिया। फिर जोर शोर से खुदाई का काम शुरू हो गया। 2-3 दिन की खुदाई से बौद्धाश्रम की भूमिगत सबसे नीचे वाली मंजिल सामने निकल आई। दालान, आंगन और कमरे निकले सभी सफेद और लाल संगमरमर के बने हुए थे। कमरे बिल्कुल साफ और स्वच्छ थे, ऐसा लगता था कि रोजाना सफाई होती रही है। कमरे में एक अनिवार्य सुगंध भी फैली हुई थी। बीच वाला कमरा अपेक्षाकृत काफी लंबा चौड़ा था। उसकी संगमरमरी दीवारों पर भगवान बुद्ध की सारी जीवन लीला खुदी हुई थी। कमरे के भीतर घुसते ही मेरा तन मन पुलकित हो उठा। बड़ी शांति का अनुभव हो रहा था वहां। काफी देर तक निर्विकार भाव से खड़ा रहा कमरे में। सहसा अंतर मन में ऐसा लगा कि कोई गंभीर किंतु कोमल स्वर में मुझे पुकार रहा हो। चौंक कर चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। बस शांति थी, खामोशी थी और थी गहन निरवता। मैं टहलता हुआ दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां सब कुछ था मगर शांति नहीं थी।
मैं वापस लौटने को सोच ही रहा था कि डॉक्टर सक्सेना की आवाज सुनाई पड़ी। शर्मा जी इधर आइए। सक्सेना साहब बगल वाले एक छोटे से कमरे में थे। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने सामने की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखिए ये क्या है। कमरे की दीवार से सटाकर भगवान तथागत की एक अति भव्य पाषाण प्रतिमा स्थापित की गई थी। वहां भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा थी। मुख पर चीर परिचित शांति और सौम्यता की प्रखर आभा थी। प्रतिमा लगभग 3 फुट ऊंची थी। प्रतिमा के ऊपर से फिसलती हुई मेरी नजर अचानक एक वस्तु पर अटक गई। वो वस्तु थी एक वस्तु संदुकोची भगवान के कमलासन के निकट रखी थी और उसके ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शांति के दूत भगवान तथागत के चरणों में रामाकांत शास्त्री। मेरा सारा शरीर एक बार की कांप उठा और उसी के साथ उस युवक की शक्ल भी तैर गई आंखों के सामने। संदूकची तोड़कर खोली गई। उसके भीतर मृग छाला में लपटी हुई दर्शन शास्त्र की एक हस्तलिखित एक मोटी सी पुस्तक रखी मिली और उसी के साथ लपेटा हुआ कागज का एक पुलिंदा भी मिला, जिसके ऊपर के कागज पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, रामाकांत शास्त्री की जीवन गाथा। मेरे लिए जितनी मूल्यवान तथागत की वो मूर्ति थी, उतनी ही मूल्यवान रामाकांत शास्त्री की जीवन कथा भी थी। जीवन कथा का अंतिम अंश इस प्रकार था। और अब अपने जीवन की सबसे अधिक दुखदायी किंतु साथ ही सबसे अद्भुत विचित्र घटना का जिक्र करता हूँ। मेरा ये जीवन कथा जिस किसी के हाथ लगे उसे अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने अभी तक इस जीवन कथा में जो कुछ पढ़ा है उससे आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने अब तक आपको अपनी जो कथा सुनाई है उसकी सूत्रबुद्ध होने में तो आपको कोई संदेह नहीं है। मेरी कथा में आपको कहीं कोई अस्वाभाविकता या अवास्तविकता की झलक तो नहीं मिली। क्या आपको ये विश्वास है कि अभी तक मैंने आपको जो कुछ जिस ढंग से सुनाया है वो उसी ढंग से सुनाया है जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति सुना सकता है। देखिए, सोचा था आपसे एक प्रश्न पूछने की ओर इतने सारे प्रश्न पूछे डाले, लेकिन करता भी क्या। इस आशंका से मेरा हृदय कांप उठता है कि कहीं मेरा जीवन कथा को पढ़कर लोग मुझे पागल न समझ बैठे, इसलिए इतने प्रश्न पूछे मैंने। मेरी जीवनी का ये अंतिम अंश इतना असाधारण है, सामान्य व्यक्ति के अनुभवों से इतना भिन्न है और संसार के नियमों तथा ज्ञान विज्ञान के इतना विरुद्ध है कि मुझे स्वयं ही संदेह होने लगता है। अपनी ये दुख भरी व्यथा सुनाने के साथ ही जब मैं ये सोचता हूँ कि शायद इसे सुनने वाला इस पर विश्वास ना करे और मुझे पागल समझ बैठे, शायद वो मेरे प्रति अनुकंपा का भाव प्रकट करने के बजाय मेरा मजाक उड़ाने लगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हजारों बिच्छू ने एक साथ ही मेरे हृदय पर डंक चुभा दिया हो। और तब मैं असीम वेदना में तड़प उठता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इस कथा का एक एक अक्षर सत्य है। अपने लिए सर्वाधिक वंदनीय स्वामी विवेकानंद और भगवान बुद्ध के सौगंध खाकर मैं कहता हूँ कि मैं आपको जो कुछ सुना रहा हूँ वो सत्य है और उसमें कल्पना का जरा सा भी स्पर्श नहीं हुआ है। जिस समय मैं रामाकांत शास्त्री की जीवनी का ये अंश पढ़ रहा था उस समय मुझे ऐसा लगा कि मानो वो स्वयं मेरे सामने बैठकर उसे सुना रहा हो। मेरे पास धन संपत्ति का कोई अभाव नहीं है। कलकत्ता में मेरे अपने कई मकान हैं, बैंक में लाखों रुपए जमा हैं। कलकत्ता के कोलाहलपूर्ण जीवन से उबरकर और वहाँ की व्यवस्था से घबराकर मैं आसाम के इस सुनसान निर्जन और शांत इलाके में आया था।
मेरे एकाकी जीवन में माधुर्य से भरे देने वाली एक सुशील तथा सुंदर पत्नी की भी प्राप्ति होने वाली थी। सच तो ये था कि रेखा का आकर्षण ही मुझे यहाँ खींच लाया था। सोचता हूँ कि रेखा, कि उस दिन सुबह जब तुम मेरे यहाँ आने के लिए घर से निकली होगी तो तुमने अपने मन में कैसे कैसे मनोरथों और कामनाओं की सृष्टि की होगी। जन समाज की निंदा की परवाह किए बिना जब तुम मेरे मकान की ओर चली थी तो तुमने मन में जाने क्या क्या सोचा होगा। खैर छोड़ो ये सब, मैं तो भावनाओं के प्रवाह में बहता हुआ दूसरी ओर चला जा रहा हूँ। रेखा के साथ मेरी शादी पक्की हो चुकी थी, मगर मैं अपने हट के कारण शादी करने को तैयार नहीं था। अभी मैंने स्वामी विवेकानंद और बुद्ध के ग्रंथों का अध्ययन किया था। मुझे इस बात का विश्वास हो गया था कि धर्म केवल विवाद का ही विषय नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। यदि परमेश्वर का अस्तित्व सचमुच है तो उसका प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना आवश्यक है, इसी जन्म में और इन्हीं आँखों से। और इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक ईश्वर प्राप्ति के किसी मार्ग का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूँगा और इस सृष्टि के रहस्य के पीछे जिस अज्ञात शक्ति का हाथ है उसके स्वरूप का जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूँगा तब तक शादी नहीं करूँगा। हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे थे आरजे पल्लवी पॉडकास्ट में पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की जीवनी। जी हाँ दोस्तों, पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की एक जीवनी की घटना जो कि आप लोगों को मैं सुना रही हूँ, नरकंकाल। तो घटना कैसी लगी और ये जो उनकी जीवनी है वो कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर बोलिएगा। मैं और भी आप लोगों के लिए पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की जीवनी लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी लाने के लिए। और इसका जो एपिसोड लास्ट एपिसोड है वो भी बहुत जल्द आ जाएगा, आप लोगों को मैं उससे पहले बता दूंगी। तो चलिए सुनते रहिए इनकी जो जितनी भी जीवनी है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और इनका जो जितनी भी कहानियाँ का लिंक है, मतलब लिंक है, उसको मैं आई बटन में दे दूंगी और एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग जरूर वो पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब इसके लास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय।